अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, द शो मस्ट गो ऑन। इसी कहावत की तर्ज पर बेंगलुरु में आज से 24 फरवरी तक चलने वाले एयर शो एयरो इंडिया 2019 की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के येलहांका हवाई अड्डे पर यह आयोजन हो रहा है। लेकिन ठीक इस शो से पहले ही कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बेंगलुरु के येलहांका एयरपोर्ट से ही कल एक दुख भरी खबर सुनने को मिली थी। कल दोपहर को एक वीडियो सामने आया और पता चला कि बेंगलुरु में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एयर शो एयरो इंडिया 2019 के लिए रिहर्सल करते हुए दो सूर्य किरण विमान आपस में ही टकरा गए। इस हादसे में एक पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत भी हो गई। 1996 में बना विमान सूर्य किरण आसमान में सफल कलाबाजियां लगाने के लिए जाना जाता है। इसके पायलट्स भी वही होते हैं जिनको इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने का खासा अनुभव होता है। लेकिन फिर भी न जाने कैसे ये हादसा हो ही गया। लेकिन मुसीबतों में भी भारत का जो आगे बढ़ने का जज्बा है ना, ये हमेशा से सराहा जाने वाला रहा है। एयरो इंडिया शो की शुरुआत उतनी ही भव्यता से की गई। इस शो में भारत के साथ साथ दुनिया भर के और भी कई देश शामिल होते हैं और इन सभी देशों के विमान आसमान में कलाबाजियां दिखाते हुए, गोते लगाते हुए अपने करतब दिखाते हैं। एयरो इंडिया पूरे एशिया में आयोजित होने वाला एक बड़ा एयर शो है। ये इस शो का 12वां साल है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार का ये शो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो साबित होगा। भारत के पास पूरा मौका है कि वो इस शो की मदद से पाकिस्तान और चीन को अपनी हवाई ताकत दिखा दे। इस बार के इस एयरो शो में फ्रांस से आया राफेल भी शामिल हुआ है। राफेल विमान को धीमी गति से आसमान में उड़ाकर कल के क्रैश में अपनी जान गंवा देने वाले विंग कमांडर साहिल गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद इस विमान ने आसमान में जमकर अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा इस शो में भारत में बना लड़ाकू विमान तेजस भी शामिल होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के लोग देश में बने इस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके अलावा देश में ही बने रुस्तम 2 को देखने के लिए भी लोगों की निगाहें इंतजार कर ही रही है। सुखोई लड़ाकू विमान और सारंग हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी ने भी लोगों को आसमान की तरफ एकटक देखने पर मजबूर कर दिया है। इस शो में सारी दुनिया से आने वाली 100 से ज्यादा कंपनीज भाग ले रही। इन सभी कंपनीज में अमेरिका की बोइंग और फ्रांस की राफेल भी शामिल है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आयोजन की शुरुआत की। 4 दिनों तक चलने वाले इस शो में एयरोस्पेस क्षेत्र से दुनिया भर के बड़े निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। हथियार बनाने वाली सभी बड़ी कंपनीज की नजर इस शो पर रहती है और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत हथियार खरीदने के मामले में खासा बड़ा नाम बन गया है। एयरो इंडिया एविएशन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा मंच है। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। ये आयोजन निश्चित ही देश को आगे ले जाएगा।